तो गाइस बहुत ही दुख की बात है, आज मेरा आईडी हैक हो चुका है। एंड गाइस मैं आपको बता दूं आप लोग कहां पे गलती करते हो ताकि आप लोगों का आईडी जो होता है हैक हो जाता है, कैसे हैक होता है उसके बारे में बात करने वाला एंड लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला है कि मेरा आईडी किस तरीके से हैक हुआ। तो गाइस प्लीज यार दोस्तों वीडियो को एंड तक बन रहिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसे डेली डेली वीडियो लाते रहते हैं। तो प्लीज यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं आप लोगों को मेरा आईडी कैसे हैक हुआ। चलिए वीडियो में बन रही है। तो गाइस आईडी दो तरीके से हैक होता है। पहला नंबर तो आप लोग अपना आईडी पासवर्ड अपने दोस्तों के पास शेयर कर देते, बहुत सारे दोस्तों के पास उस तरीके से हैक हुआ था। एंड जो सेकंड नंबर आता है यहाँ पे देख सकते हो जो बहुत सारे फेक अकाउंट बने होते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे तो यहाँ पे देख सकते हो यह लड़की का नाम है बट ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, ठीक है ना। यहाँ पे फोटो लगा दिया अपना एंड इसके फॉलोवर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसने मेरे साथ क्या किया है एंड उसके बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पे इसने एक भी फोटो वोटो कुछ नहीं अपलोड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे गाइस देखो इसने मैसेज क्या किया है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक पूरा का पूरा बात दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बन रही है, देखो इसने क्या किया है। हाय हेलो, तो मैंने बोला है हाय हेलो, इसने बोला आप मेरे साथ फ्री फायर खेलोगे प्लीज, तो मैंने बोला ओके ठीक है। तो इसने बोला आप आईडी भी सेल करते हो, तो मैंने बोला कि नहीं मेरे पास एक आईडी खुद है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ। तो इसने बोला कि एक बात बोलूँ, तो मैंने बोला कि यार कुछ अच्छा बात बोलेगी, बट इसने बोला कि मैं आईडी बाई करना चाहती हूँ यानी कि खरीदना चाहती हूँ। तो मैंने पूछा कि कितना अमाउंट बताओ, तो बोल रही है हाँ। उसके बाद से बाद में बोला कि आपका आईडी है आप बताओ कितने में सेल करोगे, तो मैंने लिखा कि 3200 रुपये में एंड वैसे मैं 3000 रुपये में इसको बेच दूंगा, ठीक है ना, और इसका मैं वीडियो भेजता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो मैंने इसका अपने YouTube पे जो अपलोड किया था उस वीडियो को, तो मैंने इसको भेज दिया है। आप लोग चाहते हो कि इस वीडियो का लिंक मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना। तो उसने बोला कि रुको मैं देख के बताती हूँ लूंगी कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि गर्ल हो तो गर्ल हो कि बॉय, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया हूँ सॉरी गाइस। तो यहाँ पे इसने बोला है कि गर्ल है, ठीक है। फिर गाइस इसने कुछ समय के बाद मैसेज किया कि क्या है ना कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है एंड मैं आईडी पासवर्ड आप दे दीजिए मुझे बस गेम खेलने के लिए, और जब मैं पैसा दूंगी तो आप मेरे को आईडी पासवर्ड दे दीजिएगा। यानी गाइस मेरे को उल्लू पढ़ा रही थी एंड आप लोग वीडियो में बन रहे हो एंड आगे चैट आप लोग देखते रहो कितना मेरे को उल्लू बना रही है, ठीक है ना। आप लोग देखो मेरे को बस फुसलाएगी, धीरे धीरे फुसलाती रहेगी एंड उसके बाद से देखना क्या मजा आएगा, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि नहीं मैं नहीं दे सकता, तो बोली है तो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद से मैंने सॉरी लिख दिया क्योंकि मैं आईडी पासवर्ड नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे लिखा है तो जाओ, तो मैंने लिख दिया ओके। तो उसके बाद से फिर मैसेज किया, देखो पुला रही है मेरे को, हाँ मैं कुछ नहीं करूंगी जी जी, देखो जी कसम से, मतलब जी बोलिए, ठीक है ना। और लड़का है ना कि लड़की है दोस्तों, तो आप लोग इस चक्कर में पड़ जाते हो एंड अपना आईडी पासवर्ड दे देते हो। और गाइस उसी के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे हैकर ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि मैं यूट्यूबर हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरा चैनल है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट भेज देंगे और बोलेंगे कि आप पार्टिसिपेट हो चुका, गिवअवे होगा, आपका आईडी पासवर्ड शेयर करो, मैं आपको टॉपअप करने वाला। एंड उस तरीके से आप लोग अपना आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हो एंड इस तरीके से आप लोगों का क्या हो जाता है, आईडी हैक हो जाता है। तो दोस्तों फाइनली मेरा आईडी हैक तो नहीं हुआ एंड मैं वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि आप लोग इस तरीके से फेक अकाउंट से जो मैसेज आता है इसको रिप्लाई ना करो एंड यहाँ से आप लोग एक भी अपना आईडी पासवर्ड को शेयर नहीं करना प्लीज यार दोस्तों, तभी जाकर के आप लोगों का आईडी पासवर्ड बच जाएगा। एंड यहाँ से आप लोग चैट पढ़ लेना मैंने क्या क्या मैसेज किया, ठीक है ना। तो गाइस इस वीडियो से कुछ सीख ले लो, आप लोगों को कहीं पे भी अपने दोस्तों को भी कितना भी सखा, मतलब समझ रहे हो ना, कितना भी क्लोजली दोस्तों उसको आपको आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करना, ठीक है ना। और गाइस उसी के साथ साथ आप लोगों का कुछ इस तरह से मैसेज आता है फेक अकाउंट से, तो आप लोगों को अपना आईडी पासवर्ड नहीं शेयर करना, ठीक है ना। तो गाइस आप लोगों का आईडी बच जाएगा एंड आप लोग सोच रहे हो कि उसने आईडी पासवर्ड ले लिया तो मैं इसको रिकवर कर लूंगा, तो गाइस कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे आप लोगों को क्या करेगा, आईडी नंबर सब कुछ चेंज कर देगा दोस्तों, नंबर भी चेंज कर देगा, तो ओटीपी जाएगा नहीं, तो आप लोग रिकवर कैसे करोगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यार प्लीज यार दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपन दोस्तों के पास एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अभी तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।